हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भट्टे की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक भट्टा लिया है मीडियम साइज़ का। आप चाहे तो बड़ा छोटा अपने हिसाब से ले सकते हैं। सो गाइस, अब हम भट्टे में कट लगाएंगे और कट के साथ साथ हम इसमें लहसुन भी भरते जाएंगे। लहसुन की 8-10 कलियाँ मैंने छील कर रख ली है, काटना नहीं है। आप सैगे ही डाल सकते हैं क्योंकि बाद में तो ये पकने के बाद मैश हो ही जाएंगे। तो अब इसको छील कर मैंने इसमें डालना चालू कर दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कलियाँ डाल सकते हैं, जैसे अगर आपको ज़्यादा खाना है, ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब लहसुन अच्छी भी होती है सेहत के लिए, तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। या तो फिर अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डाल लीजिए, ये आपके टेस्ट के अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सारे कट्स में ऐसे ही लहसुन भर दूँगी। और गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें कट क्यों लगाया है। गाइस, कट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अगर हम सैगा भट्टा रख देते हैं गैस पे तो वो फट जाता है, इसलिए हमने उसमें कट लगा दिया है और लहसुन डाल दिया है। तो लहसुन भी पक जाएंगे और हमारा भट्टा फटेगा भी नहीं, तो लहसुन का स्वाद भट्टे में भी आ जाएगा, इसलिए भी हम इसमें लहसुन लगा रहे हैं। अब मैंने पूरे हमारे भट्टे पे लहसुन अच्छे से लगा लिया है। तो गाइस, अब हम भट्टे में तेल लगा रहे हैं, तेल ग्रीस कर रहे हैं। और हम भट्टे में तेल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो हमारा भट्टा होता है वो, उसका जो छिलका होता है वो भी अच्छे से पक जाता है हमारे तेल लगाने के कारण। और जो हमारा भट्टा है वो हमारे बर्तन पर चिपकता भी नहीं है जब हम उसे पकने के लिए गैस पर रखते हैं, तो इसलिए भी हम इस पर तेल अच्छे से ग्रीस करते हैं। तो अब मैं पूरे भट्टे पर अच्छे से तेल ग्रीस कर रही हूँ। आप इस तरीके से पूरे भट्टे में अच्छे से तेल ग्रीस करें। गाइस, यहाँ पर मैंने अपने गैस के ऊपर एक स्टैंड रख लिया है, उसको हम गर्म होने देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो भट्टा है वो भी हमने यहाँ पर रख लिया है। हमारा भट्टा पहले से ही ग्रीस था तो अब हम इसे सेकने का काम करेंगे। तो अब मैं इसे, और गाइस जो उसकी एक बात, जो उसकी डंडी है आप तो उसे बिल्कुल मत काटिएगा क्योंकि मैं जो पलट रही हूँ वो उस डंडी की सहायता से मैं उसे पलट रही हूँ। वो आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, इसलिए आपको नहीं दिख पा रहा है, पर मैंने उसी डंडी की सहायता से पूरा भट्टा सेका है। तो आप भी डंडी को ना फेंकें। गाइस, अब हम कुकर में भी भट्टे को पकाएंगे बिकॉज जो हमारा भट्टा है वो गैस में उतने अच्छे से नहीं पक पाता है विदाउट कुकर, तो अब हम उसे कुकर के सहित पकाएंगे, इसलिए मैंने अपनी कढ़ाई कुकर में तेल डाल लिया है। गाइस, अब हम हमारी भट्टी की डंडी को रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हम इसे कुकर में पका रहे हैं तो अभी हमें डंडी का यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम उसे रिमूव कर देते हैं। और अगर आप विदाउट कुकर पका रहे हैं तो आपको डंडी की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि हम भट्टे को डंडी की ही सहायता से मूव करते हैं। तो गाइस, अब हम हमारे भट्टे को कुकर में डाल देंगे पकने के लिए। गाइस, अब हम भट्टे जैसे ही टमाटर को भी तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम भट्टे के साथ टमाटर को भी पकने के लिए गैस पर रख देंगे। तो गाइस, हमारे भट्टे और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, तो अब हम इनके छिलके निकालेंगे। मैंने यहाँ पर भट्टे को प्लेट में निकाल लिया है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि भट्टा कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर पक चुका है और जो उसके अंदर के जो हमने लहसुन डाले हुए थे वो भी कितने बढ़िया तरीके से हमारे पक चुके हैं। गाइस, अब हम हमारे भट्टे से सारे छिलके अच्छे से निकाल देंगे। गाइस, पहले मैंने चाकू से इसे छोटे छोटे पार्ट्स में कर लिया था, अब मैं इसका चम्मच से अच्छा भरता बना रही हूँ। तो इसको हम चम्मच से अच्छे से मैश कर लेते हैं और हमें इसे अच्छे से मैश करना है क्योंकि भरता, यानी प्रॉपर्ली भरता से अच्छे से हम दबाएंगे नहीं जब तक ये भरता नहीं बनेगा। तो इसको हमको अच्छे से दबा के इसका भरता बनाना है। तो मुझे तो यहाँ पर इतना मेरा मैश ठीक लग रहा है और आप जितना चाहें तो आप उतना कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम टमाटर के भी छिलके निकाल लेते हैं
सारे टमाटर के हम यहाँ पर छिलके एक एक करके निकाल लेंगे। सारे टमाटर को हम अच्छे से छिलके निकालेंगे और उस छिलके को हम साइड पे रखते जाएंगे। इसका भी हम अच्छे से छिलका निकाल लेते हैं। अब हम सारे टमाटरों के भी ऐसे ही छिलके निकाल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मैश करेंगे। इसे भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तेल लगने के कारण ये फिसल जा रहे थे, आ ही नहीं रहे थे, पर इसे फिर भी मैंने मैश कर लिया। चिकने हो गए थे तेल के कारण। गाइस, अब हमारे टमाटर भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। गाइस, अब हम सारे लहसुन को काट लेंगे छोटे छोटे, हम इसके मतलब पीसेस कर लेंगे बारीक बारीक। ऐसे ही हम पूरे लहसुन को काट लेंगे। ये हमारे सारे लहसुन गाइस कट चुके हैं। भरते में बघार लगाने के लिए हमको प्याज, दो कटी हुई प्याज की ज़रूरत होगी, नमक एक टेबल स्पून, 6-7 लहसुन की कलियां कटी हुई, 3-4 मिर्ची, धनिया, हल्दी और ये 1 चम्मच जीरा। गैस भरते को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई पर तेल डाल दिया है। हमारा तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें जीरा ऐड कर देते हैं। जब जीरा हमारा अच्छे से चटक जाए तो अब हम इसमें हमारी बारीक कटी हुई जो मिर्चियाँ हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मिर्ची भी थोड़ी फ्राई सी हो जाए तो हम इसे में प्याज ऐड करेंगे। गैस अब हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। गाइस अब हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है तो अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ हम अब इसमें धनिया भी ऐड कर देंगे। इन सबको भी हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही हम चलाएंगे। इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। सबको हम अच्छे से चलाते हुए थोड़ा पकाएंगे। फिर अब हम इसमें भरता ऐड कर रहे हैं जो हमारे मैश किए हुए भट्टे थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए। गाइस अब हम भरते में नमक ऐड करेंगे। नमक गाइस आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाला है। नमक को भी हम भरते के साथ अच्छे से मिक्स कर। सो गाइस हमारे घर का भट्टे का भरता बनकर रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर में अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।